सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 75 जिले की 75 बड़ी खबरों का। पेट्रोल छिड़क कर मर्सिडीज में लगा दी आग, टाइल्स लगवाने के बाद मर्सिडीज मालिक ने नहीं दिए थे लाखों रुपए। बुलंदशहर में अगवा कर युवक की हत्या की कोशिश, नहर के किनारे टहलने के दौरान कुछ युवकों ने किया अगवा। टॉर्च की रोशनी में ऊर्जा मंत्री का विजिट, मंत्री एके शर्मा बाराबंकी में सब सेंटर को निरीक्षण करने पहुंचे। जौनपुर में हड़ताल करेंगे 535 ईंट भट्टा मालिक, 80,000 से अधिक मजदूर होंगे बेरोजगार। कानपुर में नहीं बढ़ेंगे सर्किल रेट, 25% तक बढ़ने थे जमीनों के रेट, जमीन की खरीद कम होने से राजस्व को नुकसान। फतेहपुर में तमंचे के साथ युवक का तस्वीर वायरल, पुलिस अधिकारियों को किया गया ट्वीट, एडीजी ने दिए जांच के आदेश। वाराणसी में विदेशियों ने संभाला हिंदी दिवस का मंच, सिंगापुर यूनिवर्सिटी के छात्रों ने किया काव्य पाठ। फिरोजाबाद में दिन दहाड़े युवक को मारी गोली, बच्चों को स्कूल छोड़कर लौट रहा था घर, तमंचा छोड़ फरार हुए हमलावर। आजम खान का सफल ऑपरेशन, हार्ट में ब्लॉकेज आने के चलते डाले गए स्टंट, कल होगी अस्पताल से छुट्टी। बहराइच में पति ने पत्नी की हत्या कर लगा ली फांसी, बीबी का गला दबाकर मारा, अवैध संबंध का था शक। कौशाम्बी में मकान का बारजा गिरने से महिला की मौत, तेज बरसात के चलते हुई घटना, सिलाई का कर पालती थी परिवार। अखिलेश यादव के घर के बाहर पुलिस बल तैनात, सपा विधायक हाउस अरेस्ट, विधानसभा सपा कार्यालय के रास्ते ब्लॉक। प्रयागराज में मृतकों को जिंदा कर रहे भू माफिया, फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए प्रॉपर्टी पर कर रहे कब्जा। ताजमहल के अंदर भी लपकों का राज, फोर कोर्ट से ही शुरू करते हैं ठगी का खेल, किले पर खुलेआम बिक रही ब्लैक में टिकट। कानपुर देहात में सामूहिक दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, 2 महीने से चल रहा था फरार, दो दिन पहले हो चुके थे गिरफ्तार। कौशाम्बी में चोरों का आतंक, बंद दुकान से 2 लाख की साड़ियां और नकदी चोरी, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। संबल में बच्चा चोरी की अफवाह फैलाने में 6 गिरफ्तार, पुलिस ने 8 लोगों पर दर्ज की FIR। हरदोई में काव्य पुस्तक का विमोचन, पूर्व हिंदी सलाहकार बोले व्यंग के साथ साथ सृजन का संदेश देना ही श्रेष्ठ रचना। जालौन में युवक ने लगाई फांसी, बेरोजगारी से था परेशान, कई दिनों से ढूंढ रहा था काम। जौनपुर में 7 साल की मासूम से दुष्कर्म के मामले में उम्र कैद, 2019 में हुई थी घटना, आम बीनने के बहाने ले गया था आरोपी।
बांदा में कच्ची दीवार ढहने से मलबे में 5 दबे, सभी ट्रामा सेंटर के लिए रेफर, एक महिला की हालत गंभीर। सड़क हादसे में महिला की मौत, दो लोग घायल, उन्नाव में बाइक ने मारी टक्कर, गांव लौट रहे था दंपत्ति। मेरठ में एसटीएफ ने 50,000 के इनामी को किया अरेस्ट, 7 पहले हुआ था फरार, सुरेंद्र बनकर दिल्ली में चला रहा था होटल। चंदौली सड़क हादसे में एक की मौत, ट्रक ने लग्जरी कार में मारी टक्कर, दो की हालत नाजुक। हापुड़ में एसपी की लोगों से अपील, बोले बच्चा चोरी की अफवाह से बचे, सोशल मीडिया पर पुलिस कर रही निगरानी। सील हो चुके हुक्का बार में डांस, ये जुल्फे ये खुशबू, कयामत सॉन्ग पर थिरकते हुए धुआं उड़ा रहे टीनेजर। पति नहीं जल्लाद है मेरठ में महिला की आप बीती, रात भर टॉर्चर करता था, मैं पैर पकड़ती पर वह जानवरों की तरह पीटता। गाजीपुर में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, पैर में गोली लगने से एक बदमाश घायल, दो फरार, लूट का 16 लाख का सरिया बरामद। मासूम को खींचती ले गई कार, प्रयागराज में सड़क किनारे खेल रही थी, कार वाले ने बच्ची को अस्पताल पहुंचाना भी जरूरी नहीं समझा। मुजफ्फरनगर में पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल, चोरी के मामले में चल रहा था वांछित बदमाश से अवैध हथियार बरामद। अलीगढ़ में बेसिक शिक्षा मंत्री को रिक्त पड़े पदों को लेकर दिया गया ज्ञापन, साथ ही 69,000 भर्ती पदों को पूरा किया जाए। अमेठी में ऑटोमोबाइल की दुकान में लगी भीषण आग, सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। औरैया में भूमाफियाओं के खिलाफ गर्जा बाबा का बुलडोजर, सड़क किनारे सरकारी खाद के गड्ढे पर भूमाफियाओं ने कर रखा था कब्जा। अमेठी में वीवीआईपी रेलवे स्टेशन में हर स्थान से टपकता है पानी, यात्री ने रेलवे स्टेशन का वीडियो बनाकर किया वायरल। औरैया में लाइनमैन के खिलाफ कराई गई एफआईआर दर्ज, खुले में रखे ट्रांसफार्मर में करंट की चपेट में आने से युवक की हुई थी मौत। बुलंदशहर में मदरसों का सर्वे शुरू, सर्वे से पहला मदरसा ही गैर मान्यता प्राप्त मिला, शासन को भेजी जाएगी रिपोर्ट। देवरिया डीएम का कड़ा एक्शन, निर्माणाधीन राजकीय आईटीआई भवन में खामियां मिलने पर लगाई फटकार। गाजीपुर में पुलिस ने सरिया हत्याकांड किया खुलासा, लूट की गई सरिया में भरी ट्रक किया बरामद, दो आरोपी गिरफ्तार। गोंडा में बिना फिटनेस के दौड़ रही है स्वास्थ्य महकमे में सरकारी एम्बुलेंस, आरटीओ ने चालान के साथ 4 एम्बुलेंस को किया सीज। हमीरपुर में शासन के दिशा निर्देशों पर संचालित हो रहे मदरसों की जांच शुरू, कई मदरसा फर्जी हो रहा संचालित। गोंडा में मूसलाधार बारिश से एक बार फिर से उफान, भरती हुई सरयू और घाघरा, घाघरा के बढ़ते जलस्तर ने एक बार फिर से डराया। हरदोई में हाईवे पर गिरा विद्युत लाइन का तार, चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत, दो घायल।
कानपुर में नहीं थम रहा तेज रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार बस ने राहगीर को मारी जोरदार टक्कर, राहगीर गंभीर रूप से घायल। हरदोई में जंगल में एक दर्जन से ज्यादा गौवंशों के मिले अवशेष, गौवंशों के अवशेष मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। कानपुर में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच के लिए गठित की गई टीम, टीम ने अब तक 23 मदरसों की जांच कर तैयार की रिपोर्ट। महाराजगंज में बेहोशी की हालत में मिली नाबालिग लड़की, लड़की से छेड़छाड़ व मारपीट करने का मामला आया सामने। प्रतापगढ़ में न्याय की आश में दरदर भटक रहा पीड़ित, पीड़ित ने पुश्तैनी जमीन पर दबंगई ने बलपूर्वक कब्जा करने का लगाया आरोप। संबल में झोला छाप, डॉक्टरों को लेकर जिलाधिकारी सख्त, डॉक्टर के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज में कार सवार दबंगों ने पत्रकार के साथ की मारपीट, मारपीट का दबंगों ने पत्रकार का छीना मोबाइल। सुल्तानपुर में ट्रक का टायर फटने से हुआ बड़ा हादसा, हादसे में 3 लोग की मौत, आधा दर्जन लोग हुए घायल। वाराणसी के राजघाट पर नमामि गंगे ने चलाया स्वच्छता अभियान, तर्पण कर रहे श्रद्धालुओं से की स्वच्छता बनाए रखने की अपील। चंदौली में 2 छात्रों का विवाद सुलझाने गए चाचा पर चाकू से हमला, सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच में जुटी। गाजियाबाद में बियर के ठेके पर दबंगों ने मचाया तांडव, दबंगों के तांडव से पूरे इलाके में भय का माहौल। मथुरा में निकाह का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, पुलिस ने 3 मौलवी और मस्जिद के सचिव के खिलाफ मुकदमा किया दर्ज। अयोध्या में तैनात इंस्पेक्टर ओमकार नाथ की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, कमरे में फांसी के फंदे से लटका मिला इंस्पेक्टर का शव। अलीगढ़ में प्रेमी ने प्रेमिका को गोली मारकर खुद को मारी गोली, घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। अमेठी में 4 मंजिल मकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। अयोध्या में ट्रेन की चपेट में आने से 18 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चंदौली में अवैध रूप से चल रहा अस्पताल, मरीजों के जीवन के साथ हो रहा खिलवाड़, जिला प्रशासन है मौन। अमेठी में तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर, बाइक सवार युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। गोंडा में गांव के ही रहने वाले 3 लोगों पर लगा नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप, शिकायत के बाद भी नहीं थाने में मिला न्याय। कानपुर में स्वास्थ्य विभाग के बड़े बड़े दावे ध्वस्त, हैलेट अस्पताल में एक बेड पर 2 मरीजों का किया जा रहा इलाज। गोंडा में दबंगों ने पेट्रोल पंप मैनेजर को जमकर मारा, तमाशबीन बनी रही पुलिस, तेल भराने को लेकर दबंगों का टूटा कहर।
लखीमपुर खीरी में इंडियन बैंक के कर्मचारी के घर को चोरों ने बनाया निशाना। चोरों ने लाखों के जेवर व नकदी लेकर हुए फरार। गोंडा में बच्चों के बीच सोते दिखे शिक्षक। क्लास में सोते हुए शिक्षक का वीडियो हुआ वायरल। लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी लगा रहे मुख्यमंत्री के आदेशों का पलीता। जोन 7 के जेई के संरक्षण में हो रहा अवैध निर्माण। गोंडा में कानून व्यवस्था के मद्देनजर हटाए गए दर्जन पुलिसकर्मी। पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर ने किया फेरबदल। लखीमपुर खीरी में जिला हॉस्पिटल हुई मारपीट को लेकर कमेटी गठित। जांच कमेटी में एसडीएम और सीओ सदर संदीप सिंह शामिल। ग्रेटर नोएडा इंडिया एक्सपो में चल रहा अंतर्राष्ट्रीय डेयरी समिट का आयोजन। आज ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नए प्रोडक्ट्स का होगा उद्घाटन। लखीमपुर खीरी में झोला छाप। डॉक्टर के गलत इलाज से ग्रामीण की मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने अंतिम संस्कार से किया इनकार। सीतापुर में सपा विधायक अनिल वर्मा को प्रशासन ने किया नजरबंद। सीतापुर के तहसील लहरपुर से हैं सपा विधायक अनिल वर्मा। उन्नाव में ट्रक और कार के आमने सामने भिड़न। टक्कर में 3 लोगों की दर्दनाक मौत। एक गंभीर रूप से जख्मी। अमेठी में युवक के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। चोरी करने आए युवकों को ग्रामीणों ने धर दबोचा। उन्नाव में सपा पूर्व राज्य मंत्री सुधीर रावत हाउस अरेस्ट। सपा के कई पदाधिकारी मंत्री के साथ मौजूद। बलरामपुर में एसपी ने तराई थाने का किया औचक निरीक्षण। अभिलेखों की गई जांच। अपराधियों से सख्ती से निपटने के दिए गए निर्देश। फिलहाल 75 जिले की 75 बड़ी खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप